नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा पाठ, पहला पाठ आपने समझ लिया है, प्रभु जी तुम चंदनम पानी काव्य, इसे पढ़कर और इसके काव्य को लिखकर इसके प्रश्नों को समझकर आप इसे याद करने का प्रयत्न करेंगे। आज हम दूसरा पाठ बूढ़ी काकी, जो एक सुंदर पाठ है, बहुत ही रोचक पाठ है, उसे पढ़ने का और समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके लेखक है प्रेमचंद। यदि हम कहें कि आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास कहानी के स्वर्ण युग यानी सोने जैसे युग की शुरुआत किसने की थी, तो सभी लोगों का एक ही उत्तर होगा कि प्रेमचंद जी ने। उन्हें उपन्यास सम्राट के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं। उनका मूल नाम भगवत राय था। उन्होंने पहले उर्दू में लिखना आरंभ किया था और बाद में वे हिंदी में लिखने लगे थे, क्योंकि उस समय माध्यम उर्दू था। उत्तर प्रदेश में रहते थे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा का माध्यम उस समय उर्दू था। उनका जन्म 1880 में और उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। स्वाधीनता आंदोलन यानी आज़ादी के जो आंदोलन थे उनमें भी उन्होंने भाग लिया था और उन्होंने उसके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। और वे स्वतंत्र साहित्य, काव्य, निबंध, कहानी, उपन्यास स्वतंत्र अपने ही तरीके से लिखने लगे थे। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक भी लिखे। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, गबन आदि उन्होंने कई तरह के उपन्यास लिखे हैं। उनके उपन्यासों को पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने जो घटना, जो परिस्थिति का वर्णन अपने साहित्य में किया है, उसे हम साक्षात देख रहे हैं। मानसरोवर के 8 भागों में उनकी लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी गई हैं। उनके साहित्य को पढ़ने वाले पाठक को ऐसा अनुभव होता है कि उस समय को वह जी रहा है, अपने में महसूस कर रहा है। गांव का दृश्य, शहर का दृश्य, भारतीय संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, पश्चिम की संस्कृति, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज लोगों का लोग अनुकरण करते थे और उनके जैसा बनने का प्रयत्न करते थे। खान पान में, पहनावेश में सभी उनका अनुकरण करते थे। बूढ़ी का उन्होंने अपने इस काव्य का साहित्य में पूरी बखूबी वर्णन किया है। इस पाठ में उन्होंने जो वृद्ध होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वे दूसरों के आश्रित हो जाते हैं, उनकी दशा का वर्णन किया है। बूढ़ी काकी पाठ में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति के मनोभावों को बताया है। उनके अभाव, हृदय की संवेदनाएं उनको बताया है। ऐसा कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। बूढ़े व्यक्ति के समझ जाते बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। बचपन में जिस प्रकार व्यक्ति किसी वस्तु को लेने की जिद करता है और उसे लेकर खेलने लगता है, आनंदित हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े व्यक्ति भी किसी भी वस्तु को लेने की जिद करते हैं और उसे पाकर ही वे खुश होते हैं। बूढ़ी काकी बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसमें केवल अब एक खाने की इच्छा बची हुई थी। जीभ का स्वाद वह उनसे छोड़ा नहीं गया। जिस प्रकार बच्चे जीत करके अपनी बात मनवा लेते हैं, उसी प्रकार बूढ़े की अपनी बात उन्होंने अपनी बात मनवा लेते हैं। और बूढ़ी काकी के पति को स्वर्ग सितारे भरे हुए बहुत टाइम हो गया था, बहुत ही समय हो गया था। उस समय बच्चे भी उनके बड़े होकर चल बसे थे, मर गए थे। अब एक केवल बूढ़ी काकी बची थी।
और उसने अपनी संपत्ति जो उसे उनका भतीजा बुद्धिराम रखता था उसके नाम लिखी थी। उनका एक भतीजा था जिसका नाम बुद्धिराम था। बुद्धिराम के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ली थी। बुद्धिराम ने संपत्ति लिखवाते समय उसे बहुत ही चौड़े बहुत सारे वादे किए कि यदि आप मेरे साथ रहेंगी और अपनी संपत्ति मुझे दे देंगी तो मैं अपने आपको बहुत ही अच्छी तरह से रखूंगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। परंतु संपत्ति हत्या लेने के बाद उसकी नियत में फर्क आ जाता है और वे बहुत जो वादे किए हुए थे उसे भूल जाता है और उनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखता है। परंतु सारे वायदे सभ्य बात की तरह जो केवल दूर से दिखाई देते हैं ऐसे हो गए थे। संपत्ति की वार्षिक आय साल की बहुत ही आय थी, परंतु काफी भरपेट भोजन के लिए भी तरस जाती थी। जब बुद्धिराम को उसके बच्चे बूढ़ी काकी का सम्मान करते हुए नहीं देते थे तो वे खुद भी उसका सम्मान नहीं करते थे, काकी को परेशान करते रहते थे। कोई उसे चुटकी काट कर भाग जाता था। चुटकी काटना यानी कि चींटी भरना, उसके शरीर में चींटी भर कर भाग जाते थे। कोई उनके ऊपर पानी का कुल्ला कर देता था, पानी पीकर उसके ऊपर वह उसका कुल्ला कर देता था। काकी रोती थी पर सभी मानते थे कि ये केवल खाने के लिए रो रही है, उसके कोई दूसरा उसे वस्तु नहीं चाहिए। परंतु उनके रोने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसी बूढ़ी काकी का पाठ आज हम पढ़ेंगे। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। पुनरागमन यानी कि आना, वापिस आना, बुढ़ापा बचपन में आ जाता है। बूढ़ी काकी ने जीत के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष नहीं बची थी, केवल खाने की चेष्टा उनके मन में थी और वे उसे कष्टों की अपने कष्टों की ओर ध्यान नहीं देते थे और अपने जरूरतों की ओर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पास केवल एक रोने का ही साधन आवेरों की रहती थी। समस्त इंद्रियां जीव स्वाद और देखने की इंद्रियां सुनना समझना आंखों से देखना ये सब हमारी इंद्रियां के बुढ़ापे में कमजोर हो जाती है। परंतु उनके एक खाने की चेष्टा से बची हुई थी। उनके हाथ पैर भी नहीं चलते थे, जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करके भोजन का समय कर जाता या उसकी मात्रा कम होती कम उसे खाना देते और यदि बाजार से कोई वस्तु आती और उसे ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका सोना से सरना साधारण नहीं था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। आज हम केवल इतना पाठ समझेंगे